सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 37। जो पिछली वीडियो में हम कर रहे थे, हमने जो पहले कर रहे थे उसको कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को जब अभी मैं देख रहा था ना, तो मेरे को जो कुछ इसके सॉल्यूशन में ना कुछ डाउट लगता है, तो एक बार इसको ध्यान से हम देखेंगे करते हुए। गाइस, इसमें वो बोलता है शेयर्स दिए हैं एप्सिलन लिमिटेड, सिग्मा लिमिटेड, ओमेगा लिमिटेड और जीओई बॉन्ड्स। एक बार हम लिखते हैं क्वेश्चन को। शेयर्स और बॉन्ड्स ये हमारे को दिए हुए हैं, है ना गाइस? तो कौन कौन से दिए हुए हैं एक बार देख लेते हैं सर फटाफट से। ई एस ओ जी, ई एस ओ जी, इनका फिर बीटा दिया हुआ है। बीटा कितना दिया है? 0.8, 0.7, 0.5, 0.01। फिर पी ज़ीरो, इनिशियल प्राइस कितना दिया है गाइस? इनिशियल प्राइस को पी ज़ीरो बोलते हैं हम, है ना? फिर उसके बाद दिया है डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया है गाइस? 2, 2, 2 एंड 140। फिर उसके बाद मार्केट प्राइस एट द एंड, यानी कि पी वन कितना दिया है? 50, 60, 135, 1005। ये डेटा हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, ये पूरा डेटा गिवन है हमारे को। फिर उसके बाद वो हमारे से क्या पूछता है गाइस? उसके बाद वो पूछता है हमारे से कि ना, आप जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन हिज पोर्टफोलियो यूजिंग CAPM। आप ना एक काम कर दीजिए हमारे लिए ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न किसका पूछ रहा है? वो इंडिविजुअल शेयर का नहीं पूछ रहा गाइस, इंडिविजुअल शेयर का वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है पोर्टफोलियो का, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अभी देखेंगे। और फिर उसके बाद वो बोल रहा है अंडर CAPM कि CAPM के अकॉर्डिंग ना, आप जो इस पोर्टफोलियो का प्लीज़ हमारे को एक रिटर्न निकाल के दे दीजिए। पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा। पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रीड करेंगे। तो गाइस, होगा क्या, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है ना? तो देखते हैं कैसे निकल सकता है पोर्टफोलियो का रिटर्न। तो देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं गाइस, इसमें इसको ना गाइस दो तरीके से करा जा सकता है। तो पहले हम ना इंस्टीट्यूट वाला मेथड अपना जो उन्होंने फॉलो किया है, पहले वो कर लेते हैं एक बार, और फिर जो मेरा मेथड है ना एक बार उसको भी देख लेंगे। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे ना, आप उसको फॉलो करना। आंसर दोनों से डिफरेंट आएगा गाइस, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आंसर दोनों से डिफरेंट आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट का मेथड कहीं ना कहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा, बट कुछ कुछ नहीं कह सकते गाइस। आप भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगे ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना या मेरे को व्हाट्सएप करना गाइस, प्लीज़ ज़रूर करना, तो कि ताकि सबके डाउट्स जो है क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा पता नहीं कैसे करा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो देखते हैं, पहले हम इंस्टीट्यूट वाला करने वाले हैं और उसको एकदम समझ के करने वाले हैं कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा करा है तो करा क्यों है, ठीक है गाइस? तो देखते हैं उसने क्या करा गाइस। यहाँ पर ई लिखा, एस ओ जी, ठीक है? यहाँ पर उसने लिखा टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट गाइस, जो हमने पी जीरो था ना हमारा, जो इनिशियल प्राइस था उसको उसने टोटल इन्वेस्टमेंट माना, ठीक है? लॉजिकल बात है वो। 35, 30, 25, 35, 45,000। फिर डिविडेंड कितना हो गया गाइस? 2, 2, 2, 140। फिर हमारा जो मार्केट प्राइस हो गया ना, मार्केट प्राइस वो हो गया 50, 60, 135, 1005। तो गाइस, अब रिटर्न कैसे निकालेंगे? रिटर्न हमने, याद है आपने, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमने देखा था जो रिलायंस का शेयर उस बंदे ने, हमने कंसेप्ट वाली क्लास में भी समझा था इस बात को कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने रिलायंस का शेयर लिया और रिलायंस ने उस पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड भी दिया और शेयर का प्राइस फ्लक्चुएशन भी हो गया, तो प्राइस फ्लक्चुएशन से जो गेन हुआ फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग क्या हुआ कि जो उसको डिविडेंड मिला उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते थे तो रिटर्न आता था। तो इसमें देखते हैं,
तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं गाइस, देखते हैं। 50 प्लस 60 प्लस 135 प्लस 1005, 12, ये मार्केट प्राइस है ना, ये मार्केट प्राइस ही है ना गाइस। चलो देखते हैं एक बार, 1250, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट 25, 35, 45,000, 1105, फिर डिविडेंड 2 + 2 + 2 + 140, 146। तो हम रिटर्न कैसे निकालेंगे गाइस, चेंज इन मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, ऐसे यही फॉर्मूला मैंने बताया था ना गाइस जब हम कंसेप्ट वाली क्लास कर रहे थे, वो क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट प्राइस अब इतना है 1250 माइनस 1105, ओरिजिनल प्राइस के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 1105। तो देखते हैं, 105 माइनस 1105 डिवाइडेड बाय 1105, तो ये आता है कुछ 1250 माइनस 1105 प्लस 146 डिवाइडेड बाय 1105, तो ये आता है गाइस 26.33%। तो ये आता है रिटर्न आता है हमारा उसका पोर्टफोलियो का। लेकिन गाइस उसने क्या पूछा था, उसने रिटर्न तो पूछा था, यही पूछा था, यही वाला रिटर्न पूछा था पोर्टफोलियो का, बट उसने कहा था आप CAPM से इसको निकालो। तो गाइस CAPM से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, अगर मैं इंस्टीट्यूट का मेथड फॉलो नहीं करता तो मैं CAPM से अगर निकालता तो मैं कैसे निकालता, क्या निकाल सकते थे हम, एक बार देखें, कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर मैं उससे निकालता तो मैं कैसे करता गाइस, मैं भी अभी दिमाग लगा रहा हूँ आपके साथ, प्लीज़ आप भी लगाइए यार, 2-3 मिनट देंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर मैं CAPM की इक्वेशन लिखूँ यहाँ पर, RE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तो बीटा हमारे पास गिवन है, RM RF में से देखना पड़ेगा, RF हमारे को गिवन है और क्या गिवन है हमारे को, RF हमारे को गिवन है बीटा। तो गाइस ये नहीं निकल सकता, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ना इंस्टीट्यूट ने इसीलिए उसको पहले ऐसे निकाला, रिटर्न निकाला पहले पोर्टफोलियो का ऐसे बिना CAPM को यूज़ किए हुए, फिर उसने क्या करा कि ना पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न निकाला, फिर उसने उसके हिसाब से क्या बोलते हैं CAPM के हिसाब से फिर उसको ऐड कर दिया, यही किया गाइस उसने। तो गाइस ये जो हमारा रिटर्न निकला ना, ये कौन सा रिटर्न होगा, रिक्वायर्ड रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कौन सा रिटर्न होगा ये गाइस, ये होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा ना, जो रिटर्न हमें मिलने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है, हाँ भाई ये तो मिलने ही वाला है, इतना डिविडेंड हो गया ये भी मिलने वाला है और चेंज इन प्राइस भी मिलने वाला है, तो ये हमारे को एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया है ना। तो अब लेकिन उसने पूछा था कि अच्छा ये उसने ना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इसको माना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये जो रिटर्न आया ना, ये वो कहता है कि ये जो रिटर्न है ना मार्केट पोर्टफोलियो के ऊपर है, बल्कि आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमने निकाला है ना रिटर्न, यहाँ पर जो हमने रिटर्न निकाला है अभी, ये आप सब देख रहे होंगे कि हमने ये पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल चुके हैं, ये पोर्टफोलियो ही तो है ना गाइस, ये शेयर्स हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये डिविडेंड है, ये मार्केट प्राइस है, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दिया, डिविडेंड को प्लस कर दिया, मार्केट प्राइस को प्लस कर दिया, फिर हमने चेंज इन प्राइस लिया और प्लस डिविडेंड लिया और डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस कर दिया, तो ये निकलना तो चाहिए था पोर्टफोलियो का रिटर्न, बट इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये जो रिटर्न निकला है ना ये मार्केट का रिटर्न है, यानी कि ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो,
ठीक है। तो अब वो सी ए पी एम की इक्वेशन लगाएगा गाइस यहाँ पे। ये कोई भी गाइस बिल्कुल लॉजिकल तरीका नहीं है ये तो। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब उसको सॉल्व करना है, अब तो कैसे उसको घुमा फिरा के सॉल्व कर सकते हैं, ये वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं, आर एफ हमारे को गिवन है ना, आर एफ कितना है, आर एफ प्लीज़ बताइए बताइए, 14 प्लस आर एम ये हमने निकाला, ये यूज़ करेंगे 26.33 माइनस आर एफ 14। और अब बीटा ना, बीटा यूज़ करना होगा हमारे को। बीटा क्या दिया है, हाँ देखो बीटा रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल शेयर का बीटा हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक एक का बीटा यहाँ पर पुट करते जाएंगे 0.8, तो ये हमारा आ जाएगा ई के लिए रिस्पेक्टिव रेट, और ऐसे ही एस के लिए आ जाएगा, ओ के लिए आ जाएगा, जी के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कर देंगे ऐड, इसको हम कर देंगे ऐड। तो ऐड करके ना, ऐड भी नहीं किया उसने, बस ऐसे ही छोड़ दिया। तो गाइस आप खुद देखो, उसने क्वेश्चन में पूछा था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अंडर सी ए पी एम, और हमने आंसर में उसको क्या निकाल के दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल शेयर हमने उसको निकाल के दे रहे हैं। अब बट ये मैं नहीं कह रहा, ये आप प्रैक्टिस मैनुअल का सॉल्यूशन कह रहा है, सो आपको इसके ऊपर टेक लेना है कि कैसे इसको करा जाए, और प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस ज़रूर करिएगा गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ऐसे हमने वो निकाला, फिर सेकंड क्वेश्चन में ना उसने पूछा था, सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा था एवरेज रिटर्न निकालो पोर्टफोलियो की। तो एवरेज रिटर्न के लिए उन्होंने क्या किया, जो ये आया था ना हमारे पास, ये इन सबको प्लस करके ना सिंपल एवरेज निकाल दिया, सिंपल एवरेज निकाल दिया, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बट इस क्वेश्चन में डाउट है, सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना यार, मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लेना यार, मेरे को भी आ जाएगा समझ। टाइम भी काफ़ी कंज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सेम एज क्वेश्चन नंबर 37 गाइस, आप तो रटना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट हो गया ये, दो बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, एन इन्वेस्टर होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ फैटलेस कंपनी, 1000 शेयर्स, हम क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं गाइस, 1000 शेयर्स हैं हमारे पास फैटलेस कंपनी के। प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग पेड बाय द कंपनी इज ₹2, जो D0 है, जो प्रेजेंट है वो 2 रुपये पर शेयर चल रहा है, ठीक है। एंड द शेयर इज बीइंग सोल्ड एट ₹25 इन द मार्केट, जो शेयर्स अभी जो करंट मार्केट प्राइस है ना उसका P1 वो है 25। हाउएवर सेवरल फैक्टर्स आर लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर एज इंडिकेटेड बिलो। तो ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड, ठीक है गाइस। सबसे पहला फैक्टर आरएफ दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो टिपिकली सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें पोर्टफोलियो का भी रोल आ रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर इसको डाल दिया। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय होल्ड और सेल द शेयर्स, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय होल्ड और सेल द शेयर्स, उसने पूछा कि इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप हमारे को ये बता दीजिए कि जो ये जो 1000 शेयर्स हमने होल्ड करे हुए हैं ना, जो 1000 शेयर्स, उसको हम रखें, बेचें या क्या करें। तो उसके लिए हमें गाइस निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं अब उसको कैसे सॉल्व करने वाले हम। तो देखते हैं गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ ये न्यू क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है या फिर न्यू क्वेश्चन एडिड है, तो ध्यान से देखना होगा इस क्वेश्चन को। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड फैक्टर्स रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस ऑफ शेयर्स इज टू बी कैलकुलेटेड। तो गाइस रेट ऑफ रिटर्न और प्राइस ऑफ शेयर हमें निकालना पड़ेगा, फिर रेट ऑफ रिटर्न और जब प्राइस आ जाएगा ना, तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में रिटर्न इतना है और प्राइस इतना है, और रिवाइज कंडीशन में रिटर्न इतना है और प्राइस इतना है। अगर रिवाइज कंडीशन में रिटर्न ज़्यादा आता है
और प्राइस कम आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले निकालना होगा एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो देखते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो एग्जिस्टिंग रेट के लिए सब कुछ हमारे पास है, ये 12 आया है यहाँ पर और एम आर पी 6 दिया है और बीटा दिया है 1.4। तो मेरा भाई आ गया मेरे पास, 12 प्लस 6 इंटू 1.4, तो ये आया गाइस 20.4%, है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्या बोलता है वो कि ना रिवाइज रेट ऑफ रिटर्न निकाल दो, बोलता नहीं है, ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए निकाल रहे हैं, उसने ही नहीं मांगा ये, है ना। तो रिवाइज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए सेम आप इसमें पुट करेंगे ना 4 इंटू 1.25, तो ये आपको मिलेगा आंसर 15%। ठीक है, अब हमने एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न दोनों का निकाल दिया, अब निकालना है प्राइस, ओरिजिनल पहले निकालेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे गाइस, D1 RE माइनस G, तो RE हमारे को पता लग गया यहाँ से, है ना। तो अब निकालते हैं, तो डिविडेंड दिया हुआ था क्या हमारे को, दिया हुआ था, ग्रोथ रेट दिया था क्या, दिया था, RE हमने यहाँ से निकाला था और माइनस जी कर दो इसको, जी कितना था गाइस फर्स्ट केस में, सॉरी 5% था ना ये, तो 0.05%। ठीक है, तो इससे जो हमारा जो आंसर आएगा ना 2 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 0.204 माइनस 0.05, ये डिवाइड, तो ये आंसर निकल के आता है इससे 13.64। ठीक है, तो गाइस ये ओरिजिनल आया। फिर हम ऐसे ही ना जैसे सेम निकाला है ऐसे ही प्राइस निकाल लेंगे रिवाइज्ड का, प्राइस ऑफ रिवाइज्ड, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये कितना आएगा 36.33। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट थी उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं। तो ध्यान से देखना गाइस, अब ओरिजिनल जो कंडीशन है ना उसको एक बार दोबारा हम देखने वाले हैं अंडर एग्जिस्टिंग। तो देखते हैं उसमें उसने बोला एक्चुअल प्राइस गिवन कितना गिवन है, एक्चुअल प्राइस गिवन कितना है 25। ठीक है, और शुड बी प्राइस जो हमने अभी निकाला है एज वी कंप्यूटेड, हमने ये निकाला था ना गाइस 13.64, है ना, तो ये शुड बी प्राइस हो गया 13.64। तो ये एक्चुअल प्राइस है और ये शुड बी प्राइस जो होना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में एक्चुअल प्राइस हमारा ये आ रहा है 25, बल्कि प्राइस जो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो एज़ पर इंफॉर्मेशन मार्केट की इंफॉर्मेशन हमारे को दी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस हमने जो कैलकुलेट करा वो इतना आ रहा है। तो इस शेयर क्या हो गया, ओवर प्राइस हो गया, ओवर प्राइस कितने से हो गया, ये हो गया 11.36 से ओवर प्राइस। सो इन ओरिजिनल इन अंडर एग्जिस्टिंग सिचुएशन शेयर नीड्स टू बी सोल्ड, शेयर को सोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ये ओवर प्राइस शेयर चल रहा है, इस पर रिटर्न कम आएगा और शेयर का प्राइस ज़्यादा है, रिटर्न इस पर कम आएगा गाइस, रिटर्न कम आएगा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो हम उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। दूसरा केस में क्या कहता है गाइस, अंडर रिवाइज सिचुएशन में क्या कहता है गाइस, जो हमने शेयर का प्राइस निकाला ना 36.33, पॉसिबल प्राइस ऑफ शेयर 36.33। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट प्राइस एप्रिसिएशन, ठीक है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ गाइस,
कि पॉसिबल प्राइस जो ना रिवाइज कंडीशन में 36.33 होने वाला है, 36.33 होने वाला है। तो वो कहता है कि फ्यूचर में ना प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस एप्रिशिएट होने वाला है, तो कहीं ना आपको इससे बेनिफिट हो सकता है। तो बेनिफिट हो सकता है तो इसलिए आप शेयर को ना होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो, ठीक है गाइस। इसमें हुआ क्या है एक्चुअली, आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है गाइस। सबसे पहले ना उसने ये डेटा दिया था हमारे को RF, MRP, बीटा दोनों का, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में भी और रिवाइज सिचुएशन में भी, ठीक है। फिर उसने बोला था इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर्स एंड वाई, कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय, होल्ड और शेयर एंड वाई। ये सारी चीज़ें दे दी उसने कि अभी इतना है, बाद में इतना हो जाएगा। तो हमें प्लीज़ ये बता दीजिए कि जो इन्वेस्टर को शेयर्स जो हैं बाय करने चाहिए, होल्ड करने चाहिए, रख लेने चाहिए, या सेल करने कर देने चाहिए। तो हमने ना इसको दो सिचुएशन दी थी हमारे पास, एग्जिस्टिंग सिचुएशन और रिवाइज सिचुएशन। तो हमने दोनों सिचुएशंस में क्या करा, हमने दोनों सिचुएशंस में शुड बी प्राइस निकाला, शुड बी प्राइस निकाला। तो क्या हुआ, फर्स्ट सिचुएशन में तो शुड बी प्राइस हमने निकाला और एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमारे को इनिशियल प्राइस भी दिया हुआ था। ये जो इनिशियल प्राइस भी दिया हुआ था उसने बोला था, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। द शेयर इज़ बींग सोल्ड एट 25 पर शेयर इन द मार्केट प्रेजेंटली। देखो यहाँ से पढ़ना गाइस, पढ़िए गाइस। प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बींग पेड बाई कंपनी इज ₹2 पर शेयर एंड द शेयर बींग प्रेजेंटली लिखा है गाइस यहाँ पे ना, प्रेजेंटली लिखा हुआ है। प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बींग पेड बाई द कंपनी इज टू एंड द शेयर बींग सोल्ड प्रेजेंटली शेयर ₹25 का हो रहा, ₹25 का मार्केट में बिक रहा है। तो हमारे को फर्स्ट सिचुएशन में तो कंपेयर करने के लिए एक प्राइस मिल गया ₹25, हमने शुड बी प्राइस निकाला और 25 से जो एक्चुअल प्राइस है उसको कंपेयर करा, उसको कंपेयर करके देखा कि यार ये तो ओवर प्राइस शेयर हो रहा है, हमसे ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं ये, तो हमें इस शेयर को नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। इस शेयर पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न कम आएगा। फिर रिवाइज कंडीशन में हमने देखा कि जो शुड बी प्राइस है ना, जो प्राइस होने वाला है वो आ रहा था 36.33, है ना, 36.33, लेकिन अभी एक्चुअल प्राइस कितना था उसका शेयर का, ₹25। अभी उसका शेयर का प्राइस था ₹25, होने वाला प्राइस कितना है 36.33, प्राइस जो है बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। तो यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाला है, कैपिटल एप्रिसिएशन से हमें देखो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा, इसलिए हम उस शेयर को होल्ड करके रखें, है ना गाइस। तो रिवाइज सिनेरियो में हम शेयर को होल्ड करके रखेंगे, फर्स्ट सिनेरियो में हम वो शेयर नहीं खरीदेंगे, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 38 ख़त्म करा गाइस, है ना। बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया ये दोनों क्वेश्चन ना, बहुत टाइम ले गए, कोई बात नहीं। अब आगे के क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट पार्ट में करते हैं हम।